हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। टीओसी की इस वीडियो सीरीज में मैं डीएफए के बारे में डिस्कस कर रहा था और जो मेरा लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है वो है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। ठीक है ना, जो भी अपन डीएफए निकालते हैं वो मिनिमाइज्ड होना चाहिए, तभी जाके उसको हम यूनिक डीएफए बोला जा सकता है। ठीक है, और जो मिनिमाइज डीएफए होता है वो इफिशियंट भी होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए जो है ये डीएफए कंस्ट्रक्शन की काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती है। अभी तक के जो अपन ने डीएफए निकाले थे मेरे न्यूमेरिकल्स में वो मिनिमाइज्ड ही थे, बट अगर आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो या आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आप मिनिमाइज डीएफए निकाल सकते हो, बट एवरी टाइम मिनिमाइज डीएफए निकले ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई मुझे मेरे पास एक प्रोसीजर होनी चाहिए जिससे मैं मिनिमाइज डीएफए को जो है वो मिनिमाइज कर सकूं। तो लास्ट प्रॉब्लम जो मैंने डिस्कस किया था इसके पहले वाला वीडियो, उसमें भी मैंने मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए की प्रोसेस काफी डिटेल में डिस्कस की है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो सबसे पहले आप देख लीजिए, देन उसके बाद में ये वीडियो जो है वो आप फॉलो कर सकते हो। गाइस, इस वीडियो में और एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं उसी टॉपिक पे लेने वाला हूँ। बहरहाल, अगर आप लोग इस वीडियो सीरीज को फर्स्ट टाइम देख रहे हो और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स है उसके डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मेल पे मिलेंगे। नाउ गाइस, हम देखते हैं कि किस तरीके से मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए परफॉर्म किया जाता है। तो ये डीएफए मुझे दिया गया है, तो गाइस अगर आप लोगों को पता होगा तो स्टेप नंबर वन क्या था, स्टेप नंबर वन था कि डिलीट या रिमूव द अनरीचेबल स्टेट विच इज नॉट रीचेबल फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेट। ठीक है ना, अनरीचेबल स्टेट फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट। तो ये है मेरी स्टार्टिंग स्टेट Q0, इस Q0 से जो भी स्टेट अनरीचेबल है सबसे पहले मुझे उसको डिलीट कर देना है। तो स्टेप वन है डिलीट अनरीचेबल स्टेट। अभी अनरीचेबल स्टेट कहां से, स्टार्टिंग स्टेट से। ठीक है, स्टार्ट स्टेट कौन सी है, Q0। तो देखिए Q0 से Q1 रीचेबल है, Q5 रीचेबल है, देन Q5 से Q6 रीचेबल है, Q2 यहां पे रीचेबल है, देन Q6 से लेके Q4 रीचेबल है, Q4 से Q7 रीचेबल है, एंड Q0 से Q3 Q3 जो है वो अनरीचेबल है गाइस। देखिए Q3 के जो अभी एरो है वो आउटवर्ड एरो है, Q3 में कोई भी इनवर्ड एरो नहीं है, दैट्स व्हाई Q3 पे मैं स्टार्टिंग स्टेट से नहीं पहुंच सकता। तो सबसे पहले जब भी आप मिनिमाइजेशन के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले Q0 Q3 को जो है वो आप लोगों को रिमूव कर देना है। तो मैं वही कर रहा हूं, यहां पे Q3 को जो है रिमूव कर दे रहा हूं। आप लोग नई डायग्राम निकाल सकते हो, मैं यहीं पे एडिट कर रहा हूं इसको। ठीक है गाइस, देखिए Q3 को मैंने डिलीट कर दिया है और Q3 से निकले हुए हर ट्रांजिशन को भी मैंने डिलीट कर दिया है। नाउ गाइस, यहां पे ऐसी कोई भी स्टेट अभी नहीं है जो कि अनरीचेबल है स्टार्टिंग स्टेट से। नाउ गाइस, स्टेप नंबर वन तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, स्टेप नंबर टू क्या था, स्टेप नंबर टू मेरा था कंस्ट्रक्टर ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल मुझे बनाना है इस डीएफए के लिए। तो स्टेप नंबर टू, ट्रांजिशन टेबल मुझे बनाना है। ट्रांजिशन टेबल किस तरीके से बनेगा, तो यहां पे 0 और 1 जो है वो मेरे ट्रांजिशन है और मेरे स्टेट्स कुछ इस तरीके से है, Q0 है, देन उसके बाद Q1 है, Q2 है, Q2 मेरी फाइनल स्टेट है, दैट्स व्हाई उसको मैं राउंड कर दे रहा हूं, देन Q4 है, Q5 है, Q6 है एंड Q7 है। ठीक है गाइस, तो गाइस ये मेरा ट्रांजिशन टेबल है, मुझे ट्रांजिशन टेबल में एंट्रीज अभी फिल करनी है, मैं यहां पे डायरेक्टली एंट्रीज फिल कर दे रहा हूं। ठीक है, बट आप लोगों को डीएफए जो देख के है ट्रांजिशन टेबल फिल करता आना चाहिए। ठीक है, वो काफी आसान होता है। ठीक है, मैं एक एंट्री आपको करके देता हूं, Q0 पे 0 दिया तो Q1 जा रहा है। ठीक है, एंड Q0 पे 1 दिया तो Q5 जा रहा है, That's why Q5। इसी तरीके का आप लोगों को सारी एंट्रीज यहां पे फिल करनी है। ठीक है,
नाउ गाइस ये मेरा ट्रांजिशन टेबल अभी रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हो Q2 जो मेरा ये फाइनल स्टेट है और जहां जहां Q2 देखा है मैंने वहां पे उसको राउंड किया है। जरूरी नहीं है बट मैंने यहाँ पे राउंड कर लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप राउंड कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, बट हाँ आप लोगों को ये जो कॉलम रो जो साइड है वहां पे आप लोगों को फाइनल स्टेट को राउंड करना जरूरी है ताकि वो समझ में आ जाए कि वो जो है वो फाइनल स्टेट है। नाउ गाइस ये तो हो गया मेरा स्टेप नंबर 2, ट्रांजिशन टेबल मैंने बना लिया है, आप लोग चेक कर सकते हो डायग्राम के साथ इसको। देन उसके बाद मुझे बनाना है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या था? स्टेट इक्विवेलेंस मेथड, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 में यहां पे लिख रहा हूं, स्टेट इक्विवेलेंस मेथड। स्टेट इक्विवेलेंस मेथड में अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर फॉलो किया है तो आप लोगों को पता होगा कि मैं 0 इक्विवेलेंस, 1 इक्विवेलेंस, 2 इक्विवेलेंस इस तरीके से इक्विवेलेंस लेते रहता हूं। नाउ मुझे यहां पे लेना है सबसे पहले 0 इक्विवेलेंस। 0 इक्विवेलेंस में क्या करता हूं, मैं कोई भी ट्रांजिशन नहीं देखता, जस्ट मुझे 2 सेट बनाने हैं, एक सेट में फाइनल स्टेट्स रहेगी, एक सेट में नॉन फाइनल स्टेट्स रहेगी, ठीक है। तो 0 इक्विवेलेंस में सबसे पहले बना लेता हूं 2 सेट। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे नॉन फाइनल स्टेट कौन सी है, Q1 है, Q0 है, Q1 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है, Q7 है। दैट्स व्हाई मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं Q0, Q1, Q4, Q5, Q6, Q7 एंड फाइनल सेट कौन सा है, फाइनल स्टेट कौन सी है, Q2। दैट्स व्हाई Q2 को मैंने अलग लिख दिया। तो देखिए 0 इक्विवेलेंस में काफी आसान स्टेट है, आप लोगों को 2 सेट बनानी है, एक में आप लोगों को फाइनल सेट लिखनी है, जितनी भी नॉन फाइनल है उतना लिखना है, और एक में जो है वो सारी फाइनल स्टेट लिखनी है। यहाँ पे जो है फाइनल स्टेट एक ही है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे एक ही फाइनल स्टेट लिखा हुआ है। नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं 1 इक्विवेलेंस के लिए। तो 1 इक्विवेलेंस में आप लोगों को एक्चुअली अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा डिस्टेंसेस, लाइक इनपुट सिंबल्स, इनपुट सिंबल्स किस तरीके से होता है, ठीक है। नाउ अभी सबसे पहले देखेंगे कि ये जो सेट में है 6 एलिमेंट्स है, तो 6 एलिमेंट्स में कोई सेपरेट हो रहा है या नहीं वो चेक करते हैं। तो गाइस एक दूसरे के साथ मैं इक्विवेलेंस यहाँ पे चेक करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले Q0 एंड Q1 का जो है इक्विवेलेंस चेक कर लेते हैं। Q0 एंड Q1 को 0 दिया तो वो Q1 एंड Q6 जा रहा है, Q1 एंड Q6 जो है वो एक ही सेट में है, ठीक है ना, यानी ये सेम सेट में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, चलेगा, ठीक है। नाउ Q0 एंड Q1 को 1 देते हैं तो एक जा रहा है Q5 और एक जा रहा है Q2। देखिए एक जो बी देने 1 देने के बाद एक Q5 पे जा रहा है, मींस इस सेट में जा रहा है, और एक जो जा रहा है वो यहां पे जा रहा है Q2 पे जा रहा है। तो गाइस इस तरीके के नहीं चलेगा, मुझे इन दोनों को अभी सेपरेट करना पड़ेगा, ये दोनों इक्विवेलेंस नहीं है। 0 के लिए वो इक्विवेलेंस मिल रहा था बट 1 के लिए नहीं मिल रहा है, इट मींस उसे मुझे सेपरेट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे Q0 एंड Q1 को सेपरेट कर दे रहा हूं, ठीक है गाइस। Q0 एंड Q1 अभी मेरे हो गए हैं सेपरेट। नाउ मुझे चेक करना पड़ेगा ये Q4 कहां जाता है। Q4 में Q0 के साथ सबसे पहले चेक करता हूं, Q0 एंड Q4 चेक करते हैं। Q0 एंड Q4 Q1 एंड Q7 जा रहा है, Q1 एंड Q7 एक ही सेट में है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। Q0 एंड Q4 जो है वो 1 के लिए चेक करते हैं, Q5 एंड Q5 तो Q5 एक ही सेट में है तो चलेगा, इट मींस Q4 जो है वो Q0 के साथ इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यहां पे मैं Q4 लिखूंगा, ठीक है। नाउ मुझे गाइस अभी चेक करना है Q5 के लिए, Q5 किसके साथ जाता है, ठीक है। तो Q5 चेक करता हूं मैं Q0 के साथ सबसे पहले, आप किसी के साथ भी चेक कर सकते हो, Q4 के साथ भी चेक कर सकते हो, क्योंकि Q4 और Q0 जो है वो इक्विवेलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग Q0 से डायरेक्टली चेक कीजिए या Q4 के साथ चेक कर लीजिए। तो मैं Q4 एंड Q5 चेक कर लेता हूं ताकि वो पास में है तो मुझे समझ में आ जाता है। Q7 एंड Q2 यानी ये दोनों अलग अलग जा रहे हैं, देखिए ये Q7 है और Q2 अलग से है, दैट्स व्हाई मुझे यही पे पता चल रहा है कि Q5 जो है वो Q4 के साथ इक्विवेलेंट नहीं है। Q4 के साथ इक्विवेलेंट नहीं है इट मींस मुझे अभी उसको अलग करना पड़ेगा, ठीक है, मींस ये सेट में तो नहीं रहेगा। नाउ गाइस मेरा एक और सेट बन गया था Q1 का, तो Q1 के साथ मैं चेक करता हूं, तो Q5 जो है उसको Q1 के साथ मैं चेक करता हूं कि वो Q1 के साथ इक्विवेलेंस है या नहीं। तो Q5 और Q1 तो ये जा रहा है Q6 और Q2, तो Q6 यहां पे है, Q2 यहां पे है, इट मींस
Q5 जो है वो Q1 के साथ भी इक्विवेलेंस नहीं रखता. दैट मीन्स कि मुझे Q5 को जो है वो अलग कर देना है, ना ही वो Q0 के इसमें जाएगा ना ही वो Q1 के इसमें जाएगा. दैट्स व्हाई उसको मैं अलग कर दे रहा हूं Q5. ठीक है, अभी देखिए मैं इस ब्रैकेट को बंद नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे और भी एलिमेंट्स चेक करने हैं, शायद कि और एलिमेंट इन लोगों के साथ जुड़ जाए. दैट्स व्हाई मैं उन ब्रैकेट्स को अभी तक बंद नहीं किया हूं. ठीक है, जैसे ही मेरे पूरे एलिमेंट्स हो जाते हैं मैं उनको क्लोज कर दूंगा. नाउ गाइस Q6 को चेक करते हैं. Q6 को सबसे पहले Q0 के साथ चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो Q6 और Q0 को चेक कर लेते हैं. Q1 और Q6 एक ही सेट में है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. देन उसके बाद Q0 और Q6 को मैं 1 के साथ चेक कर लेता हूं तो Q5 और Q4 भी एक ही सेट में है. देखिए जब मैं ये कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तो मैं उसके ऊपर वाला सेट देख रहा हूं. ठीक है ना, आपको ये सेट नहीं देखना है. तो देखिए Q0 एंड Q6 का Q1 एंड Q6 भी एक सेट में है एंड Q5 एंड Q4 भी जो है वो एक सेट में है. दैट्स व्हाई Q6 जो है वो इक्विवेलेंट है Q0 के साथ. दैट्स व्हाई मैं यहां पे Q6 लिखता हूं. नाउ गाइस आपको चेक करना है Q7. अभी सबसे पहले Q7 को Q0 के साथ चेक कर लेते हैं. Q0 और Q7 तो Q1 Q6 आ रहा है. Q1 भी यहां पे है, Q6 भी यहां पे है, सेम सेट में है तो चलेगा. अभी Q7 को Q0 के साथ B1 के साथ चेक कर लेते हैं. Q0 एंड Q7 1 के साथ तो Q5 एंड Q2 तो Q5 यहां पे है गाइस, Q2 यहां पे है, यानी अलग अलग जा रहा है. इट मींस Q7 एंड Q0 जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है, मुझे कुछ नया बनाना पड़ेगा. अभी देखिए Q7 और Q0 इक्विवेलेंट नहीं है तो मैं उसको सबसे पहले चेक करता हूं फिर Q1 के साथ. चाहे वो कहने से Q7 जो है वो Q1 के साथ भी जा सकता है, तो देखते हैं Q1 के साथ. Q7 एंड Q1 ना, इन दोनों को अगर मैं 0 के साथ देखता हूं तो Q6 एक ही सेट में है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. अगर Q1 एंड Q7 का B देखता हूं, 1 देखता हूं तो क्या जाता है वो Q2 तो Q2 मेरा जो है वो दूसरा सेट है और सेम ही सेट में जा रहा है. दोनों भी जो है वो सेम सेट में जा रहा है Q2 पे. तो दैट्स व्हाई गाइस जो है Q7 एंड Q1 जो है वो इक्विवेलेंट हो गया क्योंकि वो सेम ही सेट में जा रहे हैं. Q2 में जा रहे हैं फॉर 1 के लिए और Q6 में जा रहे हैं फॉर 0 के लिए. दैट्स व्हाई वो दोनों जो है सेम सेट में जा रहे हैं. ठीक है, 0 के लिए एक सेट में जा रहा है तो 1 के लिए एक सेट में जा रहा है, ऐसे नहीं कि अलग अलग सेट में जा रहे हैं. दैट्स व्हाई गाइस इन दोनों को मैं इक्विवेलेंट लिखूंगा Q1 के साथ. ठीक है, तो Q7 मेरा इक्विवेलेंट हो गया Q1 के साथ. तो यहां पे अभी मेरे ब्रैकेट कंप्लीट कर दे रहा हूं मैं. नाउ गाइस अभी आप लोगों को देखना है कि 0 इक्विवेलेंस एंड 1 इक्विवेलेंस इससे इक्वल है या नहीं. ये इक्वल नहीं है, इट मींस मुझे अभी जाना पड़ेगा 2 इक्विवेलेंस के लिए. तो यहां पे मैं 2 इक्विवेलेंस निकाल लेता हूं. अभी देखिए 2 इक्विवेलेंस में सबसे पहले देखते हैं कि ये जो 3 टर्म्स है इसको मैं सेपरेट कर सकता हूं या नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले ये अपने आप में कंपेयर कर लीजिए कि ये सेम है या नहीं. तो सबसे पहले मैं Q0 और Q4 को चेक करता हूं. Q0 एंड Q4 जो है, देखिए Q0 पे 0 दिया तो Q1 जा रहा है एंड Q7 जा रहा है. Q1 एंड Q7 एक ही सेट में है, यानी दोनों को 0 दिए जाने पर एक ही सेट में जा रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. अलग अलग सेट में तो नहीं जा रहा है ना, चलेगा. नाउ Q0 एंड Q4 को मैं B देता हूं तो क्या आता है Q5 भी मेरा एक ही सेट है, सेम सेट है. तो दैट्स व्हाई ये दोनों जो है ये इक्विवेलेंट हो गए. Q0 एंड Q4 जो है वो इक्विवेलेंट हो गया. नाउ गाइस मुझे अभी चेक करना पड़ेगा कि Q6 के बारे में Q6 इक्विवेलेंट है या नहीं. तो Q6 और Q4 को चेक कर लेता हूं मैं. Q6 Q4 आप Q0 के साथ भी चेक कर सकते हो, मैं Q4 के साथ चेक कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंस है. तो Q6 Q4 तो देखते हैं 0 एंड 0 पे तो ये Q7 जा रहा है, ये Q6 जा रहा है. तो देखिए Q7 यहां पे है, Q6 यहां पे है, इट मींस दोनों दो अलग अलग सेट पे जा रहे हैं. मींस 0 के लिए ही अलग अलग सेट पे जा रहे हैं. एक ही सेट में जाते थे तो चलता था, बट 0 के लिए ही अलग अलग सेट में जा रहे हैं. इट मींस ये नहीं चलेगा, मुझे ये Q6 को जो है वो सेपरेट करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई मैं यहां पे Q6 को सेपरेट कर दे रहा हूं. ये सेट मेरा यहीं पे खत्म हो गया, Q6 मेरा बाहर निकल गया है. ठीक है, तो गाइस ये हो गया मेरा रेडी. नाउ गाइस यहां पे भी 2 टर्म्स हैं तो मुझे इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंस चेक करना पड़ेगा कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं. दैट्स व्हाई मैं चेक करता हूं Q1 एंड Q7 तो इसको Q6 और Q6 मिल रहा है. Q6 एक ही सेट में है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. Q1 एंड Q7
Q2 तो Q2 भी जो है वो एक ही सेट है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. दैट्स वाई यहाँ पे भी Q1 एंड Q7 जो है वो सेम रहेगा. एंड ये जो है ये अकेले ही थे Q5 एंड Q7, तो इनको किसी के साथ चेक करने की जरूरत नहीं है. Q5 और Q2 जो है वो अकेले ही थे तो इनको किसी के साथ चेक करने की जरूरत नहीं है. नाउ गाइस आपको चेक करना है 1 इक्विवेलेंस एंड 2 इक्विवेलेंस सेम है या नहीं. अगर वो सेम नहीं है तो मुझे और 3 इक्विवेलेंस पे जाना पड़ेगा. तो देखिए सेम तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे Q6 मेरा बाहर निकल गया है. दैट्स वाई मुझे अभी नई स्टेट पे जाना पड़ेगा, नए कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे 3 इक्विवेलेंस के लिए. तो 3 इक्विवेलेंस के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं यहां पे. तो सबसे पहले जो भी दो वाले टर्म्स है, ये जो दो है इनको ही मुझे देखना पड़ेगा कि ये सेपरेट हो रहे हैं नहीं. बाकी तो सब कुछ सेपरेट हो चुका है, मुझे सिर्फ इनको ही देखना है. तो Q0 Q4 चेक कर लेते हैं. Q1 एंड Q7 एक ही इसमें है गाइस तो चलेगा. नाउ Q0 Q4 ऑन 1 देखते हैं. Q5 तो Q5 भी एक ही इसमें है तो चलेगा. इट मींस Q0 Q4 सेम है. नाउ Q1 एंड Q7 को और एक बार चेक कर लेते हैं. Q1 एंड Q7 Q6 जो है एक ही सेट है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. देन Q1 एंड Q7 Q2 एंड Q2 तो वो भी एक ही सेट है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. दैट्स वाई Q1 एंड Q7 भी जो है वो सेम है. तो गाइज यहां पे आप देख सकते हो गए अभी कि 2 इक्विवेलेंस और 3 इक्विवेलेंस मेरा एकदम सेम आया है, एकदम इक्विवेलेंट आया हुआ है. दैट्स वाई अभी मुझे इस प्रोसेस को यहां पे रुकाना है. नाउ यहां से मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. तो इस प्रोसेस के बाद मुझे क्या पता चला कि Q0 एंड Q4 जो है वो मेरी सेम स्टेट है और Q1 और Q7 जो है वो मेरी सेम स्टेट है. इट मीन्स मुझे Q0 और Q4 को जो है अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है. अगर मैं एक ही स्टेट निकालता हूं तो मेरा काम हो जाएगा. नाउ यहाँ पे दूसरा भी है Q1 एंड Q7, इसको भी अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है. अगर मैं एक ही डायग्राम में एक ही स्टेट निकालता हूं तो मेरा काम जो है वो हो जाएगा. नाउ गाइस इससे मुझे ये पता चला कि कौन सी दो स्टेट्स है उसको मुझे मर्ज करना है. नाउ गाइस इसके डायग्राम हम बना लेते हैं. डायग्राम बनाना काफी आसान है, मैं यहां पे इसके डायग्राम बना रहा हूं. देखिए स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेट से. तो Q0 जो है Q0 एंड Q4 ये सेम स्टेट है, दैट्स व्हाई उसको एक ही स्टेट निकाला. नाउ इसको सेपरेट मत निकालिएगा गाइस, इसको एक ही स्टेट बनाना है. नाउ Q0 का ट्रांजिशन देखते हैं. Q0 पे 0 दिया तो Q1 जा रहा है, तो दैट्स व्हाई Q1 वाली एक स्टेट निकालता हूं. बट आप लोग देख सकते हो Q1 एंड Q7 जो है वो सेम है. दैट्स व्हाई Q1 और Q7 को मैं सेम निकाल रहा हूं. इसको A दिया तो 0 दिया तो वो Q1 जा रहा है. Q0 को 0 दिया तो वो Q1 जा रहा है, ठीक है. नाउ Q0 को 1 दिया तो Q5 जा रहा है. Q5 मेरी सेपरेट स्टेट है, दैट्स व्हाई उसको मैं सेपरेट निकाल रहा हूं. ये हो गया मेरा Q5. नाउ गाइस इसका तो हो गया. नाउ देखिए आप Q4 भी अगर चेक करते हो तो Q4 को 0 दिया तो Q7 जा रहा है. देखिए Q7 यहाँ पे है. Q4 को 1 दिया तो Q5 जा रहा है. देखिए Q5 यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ मुझे Q1 के लिए देखना है. Q1 को अगर 0 दिया तो Q6 जा रहा हूं मैं, तो Q6 मुझे निकालना पड़ेगा. Q1 को अगर 0 दिया तो Q6 जा रहा हूं मैं, ठीक है. नाउ Q1 को अगर B दिया, Q1 को अगर 1 दिया तो Q2 जा रहा हूं. Q2 मुझे निकालना पड़ेगा. यहां पे Q2 में निकाल ले रहा हूं. Q2 मेरी फाइनल स्टेट है, दैट्स व्हाई इसको डबल सर्कल कर लीजिएगा. नाउ यहां पे मुझे क्या करना है, 1. नाउ ये तो हो गया कंप्लीट. नाउ मुझे Q5 देखना है. Q5 पे अगर 0 दिया तो Q2 जा रहा है. Q5 पे अगर 0 दिया तो Q2 जा रहा है. एंड Q5 पे अगर 1 दिया तो वो Q6 जा रहा है. नाउ Q6 के लिए देखते हैं. Q6 को अगर 0 दिया तो Q6 जा रहा है. एंड Q6 को अगर 1 दिया तो Q4 जा रहा है. नाउ Q4 ओके. नाउ Q7 सॉरी ये हो गया. नाउ Q2 के लिए देखते हैं. Q2 को अगर 0 दिया तो Q0 जा रहा है. एंड Q2 को अगर 1 दिया तो Q2 जा रहा है.
तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते होगे कि आपकी मिनिमाइज डीएफए जो है वो रेडी हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिए थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जो मैंने डिलीट किया था, 8 स्टेट्स दी थी। और यहाँ पे रिजल्टेंट मेरा जो डीएफए बना है वो कितने स्टेट का बना है, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेट्स का। मीन्स मैंने 8 स्टेट का डीएफए को 5 स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज डीएफए। ये प्रोसेस आप लोगों को ध्यान में रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है गाइस। मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए आपको इसी तरीके से परफॉर्म करना है और आपको नंबर ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट करनी है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल में, आप लोगों को इसको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और तब तक के लिए आप इस वीडियो सीरीज को देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।